हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 7 साल का चौथा दिन और आज भी कॉलेज में छुट्टी है और आज हम जा रहे हैं वहाँ आगे जहाँ पे हम फोटो शूट करने गए थे, उससे थोड़ी सी पीछे जा रहे हैं ऐसे घूमने फिरने। देखो गाइस, यहाँ पे हम आगे बाबा जी के खेत में लगे हैं शलगम। देखो कितने अच्छे अच्छे ये देखो, नानी और मम्मी भी आज हमारे साथ फिर से ये आ गए हैं वापस। फ्रेंड्स अभी आ गए हम यहाँ पे बाबा जी की मोटर पे, यहाँ पे सोए होते हैं वो वहाँ पे मंजा लगा है। ये देखो बाबा जी का बैल, इसके ऊपर बैठ के जाते हैं रोजी। यहाँ अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, अगर देखे हमें तो बताएंगे आपको भी। ये देखो यहाँ पे धुंध, अभी टाइम क्या हो गया और अभी धुंधी पड़ी है। से हमारे घर के थोड़ी सी आगे लुक प्लांट, यहाँ पे सारी लुक वगैरह बनती है, ईंटें वगैरह तैयार होती हैं, सीमेंट की सब काम यहाँ पे होता है। थोड़ा सा ही आगे वो घर है वहाँ पे और यहाँ पे ये है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिली अंशु की साड़ियाँ सारी, ये देखो नानी, ये देखो अंशु की साड़ियाँ, ये देखो ये पूरा वहाँ तक है खेत ही है। पंजाब में इतने लंबे लंबे खेत होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने घूमने का सोचा था थोड़ा बहुत यहाँ पे, पर वहाँ से हम आए, वहाँ से ऐसे हमने सोचा थोड़ा सा घूमते और फिर हम अपने घर के पास ही पहुँच के घूमते। यहाँ पे अभी कोई 2 साल पहले यहाँ पे एक भी घर नहीं था, सारा सुनसान था यहाँ पे। अभी 2 साल के अंदर अंदर ये सारे घर डल गए यहाँ पे। यहाँ पे एक और ये नया घर बन गया है और ये घर आपको पता है गाइस, 1 महीने में पूरा घर तैयार हो गया। ये 1 महीना भी नहीं, उससे कम में ही सारे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये कितना फास्ट काम करते हैं। वो आ गया घर हमारा, वो वहाँ से घूम के गए थे और गोल घूम के फिर से यहाँ पे आ गए। ये आज हमारा कॉलेज भी दिख रहा है वहाँ पे, वो वहाँ पे है, थोड़ी सी धुंध कम हुई है। अभी हम आ गए हैं घर वापस फिर से, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, अंदर ही सोते हैं। वो तो पता नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। बोरिंग डे में आ गए हम घूम फिर के बाहर और हमारे शीशे वाले भी आ गए आज। तो जो कल हमने शीशे सेलेक्ट किए थे वो तो लगाए नहीं, इनका फ़ोन में कुछ प्लान बना, पहले तो ब्लैक शीशे थे अब वाइट वाले लगा रहे हैं। इसने तो सुबह से कुछ नहीं किया है, सोई हुई है बस। कर लिया कर कुछ काम भी तूने किया बस, मैं तो करते ही बनाई रोटी, तूने बनाई रोटी, मैंने बनाई, तूने क्या किया, तूने चाय बनाई, तूने नमक सब्जी में ज्यादा मैंने किया। बाकी तो घूम फिर लिए, अब शीशे वगैरह लगवाते हैं। शीशे वाले आ गए हैं बाहर, हेल्प भी करनी पड़ती है उनकी थोड़ी बहुत। वो आ गए हमारे शीशे वाले भी, यहाँ पे सारे इसमें शीशे लग जाएंगे। गाइस हुई नानी और अंशु की हाथाफाई। फ्रेंड्स यहाँ पे लूडो के प्लेयर हैं पर सिग्नल इनका चल नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ मेरा फुल सिग्नल होता है। यहाँ पे हो रही है फिटिंग शीशों की। तो यहाँ पे छोटे बच्चों का बैलून चुरा के लाई है अंशिका, तूने मेरे को न्यू ईयर पे लेके दिया था। थी ये पहले से ही, तूने मेरे को न्यू ईयर पे लेके दिया, मैंने तो नहीं लेके दिया, तूने तो लेके दिया था तारक मार्केट में। ये चोरी किया हुआ बैलून है गाइस। नानी फिर से लाई हिमाचल से मेरे लिए ऑरेंज। हमारे शीशे वाले सांप लाए अपने साथ। ठंड के मौसम में मेरी नानी जला रहे हैं आग, पर जलने वाली है नहीं इनसे, आपको पूरा भरोसा जलेगी यहाँ पे आग। वो नानी की लगाई हुई आग मैंने जला दी, नानी से तो जलनी नहीं थी। पूरी पूरी तैयारी चल रही है ठंड की। तो आग तो सेम वही ठंड लग रही है, आओ बैठ जाओ। आंटी गाड़ी पे इतनी ठंड लग रही है ना, बंदे का जमे जी निकल गया, मजबूरी चला रही है ना। पैसा हो गया खत्म। तो यहाँ पे दिन के 2-3 बजे यहाँ पे धूप निकली है और वो भी चांद ही लग रहा है। मेरे को तो लग रहा था जलेगी नानी से आग, लेकिन जल गई है। नानी यहाँ पे बहुत खुश हो गई कि नानी से आग आग जल गई है। इसकी जलाने को हिलते नहीं है लोग, और सेकने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। ये है सांप, क्ले है, क्ले है ये। अंशिका इंटरेस्टेड है काम करने के लिए शीशे वालों के साथ। फ्रेंड्स अंशिका की क्रिएटिविटी, इसके अपने नाखून तो है नहीं, डुप्लीकेट ही लगाएगी।
सी बत्ती? चाय में डालने वाली। कौन सी बत्ती अंशु, कैसे कैसे करने वाली? अंशिका शर्मा आ गई हमारे भैया से पीओपी वाले। सोच लेना अभी हम आ गए भैया के साथ घोड़ी लेने, यहाँ से मारेंगे छलांग। ये देखो डिजाइन आ गई हमारी चाय यहाँ पे बनके, टेस्टी तो होगी नहीं पर चलो पी लेते हैं। फ्रेंड्स चाय तो जरा भी टेस्टी नहीं है पर ठंड में ठीक लग रही है। शाइन मारते हैं आज भी, एक वाइट बाल नहीं है। अंशु बताना नानी के वाइट बाल, ओ सॉरी ब्लैक बाल। ये देखो आज नानी की कंघी हो रही है। अंशु के हाथ की चाय वेरी टेस्टी, मेरे को तो जरा भी नहीं लगी। अंशु तेरी चाय तो लग गए हमारे यहाँ के सारे शीशे। अब डिजाइन वाले जो शीशे हैं वो तो लगेंगे कल, यहाँ के बताओ आपको कैसे लग रहे हैं। कंघी करने के बाद देखिए नानी और अंशु के बालों के डिफरेंस, नानी के कितने काले बाल हैं और ये अभी बूढ़ी हो गई है। इसके साथ हम अपने बोरिंग डे का आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, तो मिलते हैं कल। अब बाय।